सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। ही दीपावली सर्वांना सुखाची समृद्धीची आनंदाची आणि आरोग्यदायी जावो अशा मनापासून सगळ्यांना शुभेच्छा। माझ्या लाडक्या बहिणींना खास करून मी आज भाऊबीजेच्या शुभेच्छा देतो। आता तुम्हाला फक्त वर्षाला भाऊबीज किंवा ओवाळणी नाही तर दर महिन्याला भाऊबीज मिळणार। दर महिना माहेरचा आहेर दर महिन्याला आपल्याला मिळणार। किती लोकांच्या खात्यात पैसे जमा झाले हात वर करा। कितने लोगों के खाते में पैसे जमा हुए, उन्होंने हाथ के भी खाते में पैसे जमा होंगे ये वादा करने में आया हूं। आणि आम्ही हम लोग देने वाले हैं। ये विपक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग, ये लाडली बहना बंद हो जाएगी, लाडली बहना योजना बंद करेंगे। क्या रिश्वत देते हो, क्या भीख देते हो, क्या बिकत लेते हो महिलाओं को, ऐसे बोलने वाले विपक्ष को आप क्या जवाब दोगे? जो खोड़ा डाला है, रोड़ा डाला है, उसको मराठी में कहते जोड़ा, मतलब चप्पल में पहनते ना अपन पैर में, त्यांना खोड़ा टाकणाऱ्यांना जोड़ा तुम्ही दाखवणार की नाही? जोरात सांगा, दाखवणार की नाही? मुझे कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये इसके खिलाफ में कोर्ट में भी गए, मुंबई हाई कोर्ट ने उनको एक लाफा मार दिया, बोले भागो यहां से। फिर नागपुर में गए, ये कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के लोग नागपुर में भी गए कोर्ट में इस लाडली बहना बंद करने के लिए, और अभी कहते हैं कि ये लाडली हमारी सरकार आने के बाद लाडली बहना और कई योजना जो शुरू की है उसे हम बंद करेंगे, उसे इंक्वायरी करेंगे और जिसमें जो दोषी लोग हैं, गुनाहगार है, उनको जेल में डालेंगे। मतलब ये तुम्हारे लाडले भाई को भी जेल में डालेंगे, चलेगा आपको? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या ये लाडली बहना बंद होने देंगे? क्या हमारे लोगों को जेल में जाने देंगे? मुझे गर्व है अगर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि लाडले बहनों को जिन्होंने पैसे दिए हैं वो गुनाहगार है, तो ऐसा गुनाह मैं एक बार नहीं 10 बार करने को तैयार हूं। अभी उनके लोग पहले कहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी खट खटाखट पैसे दे दो। अरे खटखटाखट बोले और वोट भी ले लिए पटपटापट, लेकिन बाद में बोलते पैसे नहीं, केंद्र सरकार और मोदी जी के पास पैसे मांगते। मतलब वोट लेते हो, बाद में मुकर जाते हो, बोलते हो पैसे नहीं है। ऐसा आपका ये एकनाथ शिंदे लाडला भाई कभी नहीं करेगा। जो बोलता है वही करेगा, जो होगा वही बोलेगा। और इन्होंने राजस्थान में फंसाया लोगों को, राजस्थान के लोग यहां पर है, वहां पर बोले पूरे कर्ज मुक्ति करेंगे बोले, और भूल गए किसानों ने आत्महत्या कर दी। हिमाचल में योजना शुरू कर दी, बंद कर दी। कर्नाटक में बोले हम ये करते वो करते, बाद में सरकार आने के बाद भूल गए, मुकर गए, बोले प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये तो चुनावी जुमला था। लेकिन देखो हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करने वाले हैं।
क्योंकि बाबा साहब ठाकरे जी की सीख जो थी, हमारे आनंद के साहब ने जो सिखाया है, हम लोगों को फंसाएंगे नहीं। हम लोगों के बीच में जाकर काम करने वाले लोग हैं, घर में बैठकर फेसबुक लाइव करने वाले नहीं, हम फेस टू फेस काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ लाडली बहनों को ही नहीं, ये लाडली बहनों को सिर्फ 1,500 लेके हम लोग रुकेंगे नहीं, हम इस पैसे को और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अभी चुनाव में अभी आचार संहिता लग गई, विपक्ष को लगा अभी नवंबर के पैसे नहीं मिलेंगे तो मौका मिलेगा बोमा बोम करने का, चिल्लाने का सरकार के खिलाफ में। लेकिन हमको पता था ये विपक्ष बहुत ही चालाक है। हमने क्या किया, अक्टूबर में ही नवंबर के पैसे दे डाले। नवंबर के पैसे देने के वजह से उसके बोलती बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, क्या आरोप लगाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जैसे ही चुनाव 20 तारीख को खत्म होता है, आपके खाते में दिसंबर के पैसे हम डालेंगे, दिसंबर के, क्योंकि आपको, मेरी लाडली बहना को, हमें लाडली और सुरक्षित लाड़किया बहन आणि सुरक्षित बहन द्यायची आहे। लाडली बहन और सुरक्षित बहन देना काम हमारा है। और मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ आपको 1500-2000 नहीं, हमारी लाडली बहनों को राज्य में हमें लखपति बनते हुए देखना है, लखपति बनते हुए, क्योंकि मोदी जी ने लखपति दीदी निकाला है, ड्रोन दीदी निकाला है, उज्ज्वला योजना निकाली है, जनधन योजना निकाली है, कई योजना, ये स्वनिधि योजना। और इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों की सरकार है, ये आम लोगों की सरकार है। और इसलिए हम देने वाले लोग हैं, इसलिए नवंबर का किस्त इंस्टॉलमेंट हमने अक्टूबर में दे दिया, एडवांस में दिया। एडवांस देने वाली यह सरकार है, ये पहले वाली सरकार एडवांस लेने वाली सरकार थी, हम देने वाले लोग हैं। पहले हमारे पांच हफ्ते आपके खाते में आ गए, पांच हफ्ते आपके खाते में आए, हम हफ्ते भरने वाले लोग हैं। पिछली सरकार हफ्ते वसूलने वाली सरकार थी, हम हफ्ते भरने वाले सरकार है। और इसलिए यही फर्क है वो सरकार में और हमारी सरकार में। हम देना जानते हैं, वो लेना जानते हैं। ये देना बैंक है, वो लेना बैंक थी। और इसलिए 2 साल में हमने इतना काम किया है, आपको बताऊंगा, पूरे मुंबई शहर में हम कंक्रीट के रोड बना रहे, खड्डा मुक्त मुंबई, गड्ढे से कोई प्रवास करने की जरूरत नहीं। अगले 2 साल में पूरे सब कंक्रीट के रोड होंगे, क्या अच्छा लगेगा ना आपको, कैसे दिखेंगे रोड, अच्छे होंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों आपने नहीं किया, इतने साल 10-15 साल आपके पास मुंबई है,